हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बिटर स्वीट। आज के वीडियो में मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ और ट्राई करने जा रही हूँ। वो है कि जो ये शयोट बोलते हैं इसे इंग्लिश में और स्क्वाश बोलते हैं हमारे भाषा में, इसको मैंने रखा था लगभग दो हफ्ते के बाद। आप देख रहे हो इसके रूट्स और शूट्स दोनों निकलना शुरू हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं कि इसी से एक नया प्लांट उगाया जाए। तो अब मैं ये करूंगी कि ये जो स्क्वाशेस है इन्हें यहाँ पर मैं लगाऊंगी ताकि नए शूट्स निकले, और जैसे ही प्लांट थोड़ा मच्योर हो जाएगा इसको मैं ट्रांसफर करूंगी। और ये जो सॉइल है ये बहुत ही ऑर्गेनिक सॉइल है और वेल फर्टिलाइज्ड सॉइल है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल पील्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी थी जो ऑर्गेनिक है, और वही अभी सॉइल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टब है मेरा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी प्लांट उगाए थे सब हेल्दी तरीके से ग्रो हुए हैं। तो अभी मैंने हाल ही में इसे खाली किया है, सोचा कि वेजिटेबल्स लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ वीड्स थे अभी भी देख रहे हो बहुत स्ट्रांग है, निकल ही नहीं रहा है। तो इन वीड्स को मैंने अभी अभी बाहर निकाला है और इसको क्लीन किया है ताकि यहाँ पर इन शेयर्ट को मैं लगा सकूं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, मैंने कभी पहले नहीं लगाया शेयर्ट को, इसी वजह से मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह से लगाया जाता है। पर लगता है कैसे लगाऊँ, इसको ऐसे लगाऊँ या फिर ऐसे तो नहीं लगा सकती। आई थिंक इसे बस उल्टे तरीके से लगाना पड़ेगा, इन दिस वे, क्योंकि यहाँ से ही नए शूट्स और रूट्स आएंगे। तो आई जस्ट होप कि मेरा तरीका सही हो, अगर गलत भी है और आपको सही तरीका आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। सिंस आई एम अ बिगिनर सो मुझे बहुत सी चीज़ें अभी सीखनी बाकी है। तो इन दोनों शेयर्ट को मैं ऐसे ही लगाऊंगी, पर मैं सोच रही हूँ अगर मैं ऐसे लगाऊंगी तो रूट्स तो ऊपर के तो हिस्से में है, तो इसे ऐसे लगाएं क्या? ओके, ऐसे लगा देते हैं। ये मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि इसे ऐसे ही लगाना चाहिए कि रूट्स कॉन्टेक्ट में आएंगे सॉइल के, फिर वरना रूट्स तो कॉन्टेक्ट में सॉइल के आएंगे ही नहीं। तो अभी तो बस ऐसे रखना है ताकि नए रूट्स आ सके और शूट अच्छे तरीके से आ सके। अभी ऐसे ही रखते हैं, अभी देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। पर एक चीज़ बहुत ही करना पड़ेगा जो मुझे, मैं बहुत ही वरीड हूँ, वो ये है कि हमारे घर के जो बकरियाँ हैं उनसे इन्हें बचाना सबसे पहला काम है, बाकी के काम तो बाद में होते रहेंगे। तो लेट्स सी एंड वेट टिल इट डेवलप्स एंड बिकम्स अ बेबी सैपलिंग। तो अगर आपको गार्डनिंग वीडियोस देखना पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बिटर स्वीट को, और ज़्यादा गार्डनिंग कंटेंट के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।